हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक माइक्रोटेक इन्वर्टर 850 EV की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, इसमें यह फॉल्ट है कि यह मेन पर भी अच्छी तरह वर्क करता है, आउटपुट देता है और चार्जिंग भी अच्छी तरह करता है, और जिस टाइम हम ये लाइट जाने पर बैकअप मोड पर आता है तो इन्वर्टर में आउटपुट नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने पहले ही बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये देखिए। अब मैं इसकी जो बैटरी की MCB है वो उठा लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो इन्वर्टर है वो चल चुका है। आपको इसकी ग्रीन इंडिकेशन UPS पर दिखाई दे रही होगी, ये देखिए। तो दोस्तों, इसमें मीटर में मैंने 750 पर सेट किया हुआ है, पर इसके अंदर यहाँ पर कोई भी वोल्ट नहीं आया, ये देखिए, हमारी आउटपुट नहीं आई। तो आप देखिए दोस्तों, मैं इसे मेन पर चलाता हूँ और इसमें आउटपुट आएगी, क्योंकि मेन की दोस्तों बाईपास होकर ही जाती है वो, ये हमारी जो लाइट आती है इसके अंदर इन्वर्टर में। तो मैं इसे मेन में कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये स्विच अपनी मेन 220 में लगा रहा हूँ, ये देखिए, और मैंने इसे ऑन कर दिया है। और ये हमारा यहाँ पर देखिए मेन पर आ चुका है, और हमारी चार्जिंग भी इसने करना स्टार्ट कर दी। और हमारे मेन जो एम्पेयर मीटर है इसमें भी देखिए हमारी 15 एम्पेयर चार्जिंग आ रही है। जो हमारे यहाँ पर लाइट आती है उसके वोल्ट यहाँ पर देखिए आ चुके हैं, पर जिस टाइम लाइट जाती है तब हमारे यहाँ पर कोई भी वोल्ट नहीं आता मीटर में। ये दोस्तों हमारे AC वोल्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे बैटरी से भी डिस्कनेक्ट करके और मेन से भी डिस्कनेक्ट करके इन्वर्टर को खोल लेता हूँ। देखते हैं हमारी कहाँ पर दिक्कत है ये, जो हमारी आउटपुट नहीं आ रही। तो मैं इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और इसे मेन से भी डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इसे मीटर से भी अलग कर लेता हूँ, और फिर हम इसके जो है हमारा कवर है इसे खोल लेते हैं। इसे दोस्तों मैंने खोल लिया है, ये देखिए, ये दोस्तों इसकी PCB है। और सबसे पहले दोस्तों हमें इसके जैक चेक करने हैं कि इसमें हमारा कोई जैक जल ना गया हो, जिसकी वजह से हमें आउटपुट नहीं मिली। पर देखने में दोस्तों ये सारे जैक हमें ठीक दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों, कई बार इसका जो ये स्विच है 10 एम्पेयर का, ये भी ख़राब हो जाता है। पर दोस्तों, जिस टाइम इसमें मेन आ रही है हमारी, तो इसका मतलब हमारा स्विच ठीक है। अगर हमारी मेन भी नहीं आती तो इसका मतलब हमारा स्विच भी ख़राब था। दोस्तों, अब इसकी किट खोल लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा कोई प्रिंट रिसोल्डर तो नहीं हुआ, या हमारी ये रिले ख़राब है, या आगे कुछ फॉल्ट है। तो सबसे पहले मैं इसकी ये जो चार नट हैं ये एक से किट खोल लूँगा, ऐसे खोल कर। तो मैं इसे पहले किट खोल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने इसकी ये किट खोल लिया है और ऊपर कर लिया है। अब दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारी कहाँ पर फॉल्ट है। तो दोस्तों, मैं इसे DC से कनेक्ट करके और इसे DC पर चला लेता हूँ। ये देखिए, मैंने पहले कनेक्ट कर लिया, मैं इसे चला रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा इन्वर्टर चल चुका है। दोस्तों, हम अपने मल्टीमीटर को 750 AC पर सेट कर कर इसकी जो हमारी एक लैग होती है, हमें न्यूट्रल के अंदर यहाँ पर सॉकेट में लगा देनी है। जो हमारी यहाँ पर ये सॉकेट लगी है, ये सॉकेट इसकी न्यूट्रल पर लगा देनी है, या न्यूट्रल आप कहीं से भी ले सकते हो। तो दोस्तों, मैं इसे न्यूट्रल पर कनेक्ट कर रहा हूँ, और जो हमारी इस मीटर की दूसरी वायर है, हम इसे जहाँ पर हमारे रिले के ऊपर करंट आता है उसे वहाँ पर चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो ट्रांसफार्म की 125 और 200 वोल्ट होती है, ये हमारी यहाँ से ट्रिप होकर, ये देखिए, यहाँ से ये यहाँ पर आती है। ये देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं 271 के आसपास, ये देखिए। और अब हम इसके नीचे वाली वायर, ये देखिए, यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं आया। अब हम जो, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, जो यहाँ पर हमारा 10 एम्पेयर का स्विच है, ये देखिए, यहाँ पर मैं इस वायर को लगा देता हूँ, ये देखिए, हमारे यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं आए। अब दोस्तों, मैं इसे मेन देता हूँ, ये देखिए, इसको मैं सीरीज बोर्ड में लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने किट खोली हुई है यहाँ पर, तो इसे मैं सीरीज बोर्ड में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे मीटर में AC जो हमारी लाइट यहाँ से इन होती है, वही हमारी आउटपुट आ रही है बाहर, ये देखिए, आपको दिख रही होगी दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे 168 वोल्ट आ रहे हैं, और हमारी यहाँ पर जो सीरीज का बल्ब है वो भी ग्लो हो रहा है। ये हमारी चार्जिंग का मतलब, ये हमारी चार्जिंग आ चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं इस किट की जो रिले है वो चेंज कर लेता हूँ। ये हमारी रिले ख़राब है दोस्तों, इसलिए हमारे कोई भी लैग पर, हमारी जो रिले की पॉइंट पर हमें कोई भी वोल्ट नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं इसे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर वोल्ट चले गए हैं। ये हमारा
ये यह हमें यहाँ पर बैकअप मोड पर आउटपुट नहीं दे रहा। देखिए दोस्तों ये 0-0 हो चुके हैं। अब दोस्तों मैं शरीर शोल्डर पंप की सहायता इसकी जो ये रिले है ये निकाल लूँगा। 12 वोल्ट की रिले होती है ये। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो हमारी ये ब्लैक कलर की लगी हुई है, ये देखिए दोस्तों मैंने इसकी जो यहाँ पर शोल्डर पंप की सहायता से इसके शोल्डर हटा लिया है। और ये देखिए दोस्तों हमारी ये रिले भी बाहर निकल चुकी है। ये देखिए दोस्तों मैं इस रिले को निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये हमारी रिले है, ये दोस्तों माइक्रोटेक कंपनी की है। पर ये देखिए दोस्तों ये हमारी यहाँ से जल चुकी है। ये देखिए इसके जो यहाँ पर प्रिंट है ये जल चुके हैं। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसे नहीं लगा लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इसमें ये रिले लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों मेरे पास 12 वोल्ट की रिले है। ये देखिए इसके प्रिंट भी बिल्कुल ओके हैं। तो देखिए दोस्तों अब मैं इस किट को यहाँ लगाऊंगा। ये देखिए इसके जो प्रिंट है ये भी काफ़ी नीचे से ब्लैक हो चुके थे जलने के कारण। ये देखिए अब मैं इसके अंदर इसे साफ़ करके इसके अंदर रिले लगा लेता हूँ। ये दोस्तों इसमें रिले लगाने के बाद हम इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि हमारे जो इसकी पिने हैं वो बाहर अच्छी तरह आ जाए। ये देखिए ये हमारी जो इसकी पांचों पिने हैं वो बाहर आ चुकी हैं। ये देखिए आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा। अब मैं इसे शोल्डर कर लेता हूँ। मैंने इन रिले के पॉइंट को शोल्डर कर दिया है। देखिए दोस्तों अब दोस्तों मैं इसे चला के देखता हूँ कि हमारी आउटपुट आई है या नहीं। तो मैं इसे अपने डीसी से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसकी एमसी भी उठा लेता हूँ। मैंने दोस्तों इसे बैटरी से कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हमें मीटर यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है इसकी। दोस्तों चाहे आप यहाँ पर दोनों न्यूट्रल फेस इसकी सॉकेट में दे के चेक कर सकते हो, या फिर इसकी न्यूट्रल कहीं पर भी लगा के और यहाँ पर 10 एम्पीयर स्विच पर लगा के चेक कर सकते हो। मैं इसकी दोनों स्विच की जो इसकी वायर है ये दोनों मीटर की इसे सॉकेट में लगा लेता हूँ। मैंने दोस्तों इसकी ये वायर है ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है दोनों। ये देखिए सॉकेट में। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इसे चला लेता हूँ। बैटरी की जो हमारी यहाँ पर एमसीबी है मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर चल चुका है। ये देखिए और ये हमारी जो आउटपुट है वो आ चुकी है 271 और 272 के आसपास। ये देखिए अब दोस्तों मैं इसे मेन दे देता हूँ। अब मैं दोस्तों इसे एक बार सीरीज बोर्ड में भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पर 236-235 के आसपास लाइट आ रही है। ये देखिए अभी हमारी सीरीज में जब चार्जिंग आएगी तो ये थोड़ी हमारी जो एसी वोल्ट है वो डाउन हो जाते हैं। ये देखिए अब मैं दोस्तों इसे बॉडी में फिट कर लेता हूँ किट को, फिर इसे अच्छी तरह चला कर। मैंने दोस्तों ये किट इसके अंदर फिट कर दिया है। ये देखिए और अब मैंने इसे बैटरी से भी कनेक्ट कर लिया। मैं इसकी डीसी की जो एमसीबी है वो उठा देता हूँ। ये देखिए और हमारी जो आउटपुट है वो हमें मिलती है या नहीं ये देखते हैं। मैंने दोस्तों इसे एसी से कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसका जो स्विच है इसे लाइट दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे 220 एसी दे दी है। ये देखिए हमारे एलईडी पैनल पर एसी आ चुकी है और हमारी जो चार्जिंग की एलईडी है वो भी ब्लिंक कर रही है और हमारे मीटर में भी चार्जिंग आ चुकी है। देखिए और जो हमारे जो एसी से डायरेक्ट हमारे मीटर पर आ रहे हैं ये देखिए 234 और 235 वोल्ट। तो दोस्तों हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और अगर आप हमारे यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद जय भारत।